क्या आपने कभी रेलवे स्टेशन पे चाय और फ्रेंड्स के साथ मस्त वाला टाइम स्पेंड किया है, या फिर मिडनाइट में कभी भूख मिटाने के लिए गर्मा गर्म मैगी ट्राई की है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वाला ब्लॉग सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस ब्लॉग से आपकी वो सारी यादें ताजा होने वाली है। सो आराम से बैठो और इस ब्लॉग को एंजॉय करो। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और अभी रात का एग्जैक्टली मतलब 10 बज चुके हैं, तो मैं आया हूँ येडियुरप्पा रोड पे। हमको हमारे सोशल मीडिया पेज के थ्रू पता चला कि यहाँ पे बेलगावी में एक जर्मनी से फैमिली आया है जो टूर करता है, पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। एंड लकीली आज बेलगावी में आए हैं, वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। उनकी जो वैन है, वैन में ट्रैवल करते हैं एंड बहुत सारे कंट्रीज वो ट्रैवल किए, ऐसे मैंने कुछ देर पहले एक इंटरव्यू में देखा। तो हम लोगों को एक एक्साइटमेंट था कि उनको अच्छे से मतलब मिले एंड उनका टूरिंग का एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है, वो सारी बातें करेंगे। बट हम आने में थोड़ी हमको देरी हो गई, क्योंकि अभी वैन के बाहर हम लोग खड़े थे कुछ देर पहले, बट कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। हमने एक DM तो किया इंस्टा पे, लेट्स सी अगर वो मैसेज चेक करके बाहर आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी। एंड अच्छी बात यह है कि बेलगावी का जो कुंदा स्पेशलिटी है यहाँ का, मैंने कैरी किया साथ में, अगर उनसे मुलाकात होगी तो वो भी एज ए गिफ्ट हम प्रेजेंट करेंगे। एंड लेट्स सी कुछ बातें हो जाएगी, वो सारे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे सामने आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो वैन है, इस वैन में वो आए हुए हैं। और थोड़ा लेट होने की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है, डाउट है कि शायद सोए रहेंगे, सो डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता है। अगर कुछ मूवमेंट रहा बाहर आ गए लकीली तो अच्छे से मुलाकात हो जाएगी, एंड उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये है उनका वैन, बहुत ही आलीशान है दिखने में, बहुत ही ज़बरदस्त है यार। टायर भी देखो क्या खतरनाक है, मतलब वर्ल्ड टूर कर रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने पूरा, मतलब मेरे को लगता है सारी फैसिलिटीज़ एक ही वैन में बना के रखी रहेगी। एंड इनका यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक भी है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड इनका पूरा मतलब जो एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का वगैरह, वो शेयर करते रहते हैं उनके प्रोफाइल पर, सो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो वैन है अगर अंदर से देखने को मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मैं थोड़ा फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह है ये फ्रंट पोर्शन है। वाओ, हमारे साथ नदाब सर है जो मतलब इंडिया का टूर करते रहते हैं, और हमारा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है लद्दाख, वहाँ पर तो ये बहुत बार जाते रहते हैं। यहाँ पे उनको देख के अच्छा लगा कि हमसे पहले यहाँ के पहुँचे, और हमको जितना एक्साइटमेंट है इनसे मिलने का, सर को भी उतना एक्साइटमेंट है। सर कितनी देर से खड़े आप यहाँ पे? सर यहाँ पे हम लोग एक 45 मिनट्स हो गया। वाह वाह, तो हमारे अतिथि सो रहे हैं तो हम सोचे कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना। एक्जेक्टली सर, हमने भी यही सोचा, वेट कर रहे हैं। अगर वो जाग जाएंगे तो हमारे लिए खुशनसीबी होगी कि हम लोग उनसे मिल पाएंगे और एक्सपीरियंस ले पाएंगे हाउ इट इज टू ट्रैवल द वर्ल्ड इन अ वैन विद द फैमिली। तो होप फॉर द बेस्ट, वी आर वेटिंग, लेट्स सी। और एक थोड़ी देर वेट करेंगे और देखेंगे अगर वी आर लकी इनफ टू मीट देम। और सर मैं भी आपके साथ यहाँ वेट करेंगे कुछ देर और देखेंगे, मुलाकात करेंगे अच्छे से अगर हो गया तो इंशाल्लाह। सो गाइज, हम लोग वहाँ पे मुझे लगता है 2 घंटा वेट किया, और DM भी किया जैसे मैंने आपको बताया, बट उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। एंड मुलाकात नहीं होने का रीज़न ये है कि हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं और हमको मालूम है कि वो बहुत ही मतलब टायर्ड रहेंगे, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार। सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं एंड डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, बट बहुत देर वेट करने के बाद भी हम लोगों को मतलब मुलाकात हो नहीं पाई, बट थोड़ा बुरा लग रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है, इसके बाद हमने सोचा कि जहां हम अभी हाईवे पे आ ही चुके हैं तो सुवर्ण सौदा पे जाए, और वहां पे सुवर्ण सौदा मेरे पीछे बैकग्राउंड पे आपको दिखाई देगा। सोचा रात पे यहाँ का व्यू कैसा है आपको मैं नज़ारा वीडियो बना के दिखा दूँ। एंड अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन मतलब मेरे हिसाब से शायद अभी 2 साल बाद यहाँ पे हो रहा है, यूजुअली हर साल होता है, बट ये बार अधिवेशन कोविड के हिसाब से डिले हो गया। एंड बहुत ही सुंदर नज़ारा है पीछे मेरे बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे कुछ देर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ होटल या ढाबा खुला है तो थोड़ा वहाँ पे कुछ फूड ट्राई करेंगे, डिनर करेंगे। तो अभी हम घूमते घूमते यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आए, रीज़न ये है कि सब जगह होटल सारे बंद हो चुके थे एंड मुझे और वरुण को थोड़ी सी भूख लगी है, तो घूम फिर के रेलवे स्टेशन पे आए। यहाँ पे रेलवे स्टेशन का पूरा काम चल रहा है, लेट्स सी यहाँ पे अगर कोई कैंटीन ओपन रहेगा
तो हम लोग कुछ फूड ट्राई करेंगे। लगता है कुछ ओपन तो है, लाइट्स दिख रहे हैं मुझे। सो रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरह है रात का। यहाँ पे अभी कुछ ट्रेन्स तो नहीं है शायद, बट अच्छा लगता है यार माहौल, रात का कुछ अलग सा रहता है। नहीं क्या हुआ, ओपन है कुछ? अभी यहाँ पे जो एक कैंटीन था वो तो बंद हो चुका है। अभी पीछे वरुण और मैडी वहाँ पे ढूंढने गए, अगर कुछ ओपन रहेगा लकीली तो अच्छी बात है, वरना आज ऐसे भूखे रहना पड़ेगा। वरुण ये चाय मिल जाएगा? मैडी चाय मिल जाएगा? चाय है? आवाज सुनाई दिया, चाय तो है कुछ नहीं तो सही, कुछ भी नहीं। अरे सच्ची चाय है? कहाँ पे है? आवाज दो, मैं ये देखो अभी बुलाता हूँ। चाय? हाँ चाय चाय। इधर आ जाओ। चलो कुछ नहीं तो सही, चाय की आवाज तो सुनाई दी। क्या बोलते हो? कह रहे हैं चाय। क्या हुआ? जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो ये है रात को बेलगावी रेलवे स्टेशन का नज़ारा, एंड बहुत देर घूमने के बाद लकीली हमको वहाँ पे सामने एक अंकल दिखाई दे रहे हैं जो चाय बेच रहे हैं। गए वापस? गए, आ जाएंगे नहीं दे रहे, वहाँ पे चाय दे रहे हैं, आएंगे यहाँ पे। इनकी वजह से हमारा आज पूरा डिनर का कैंसिल हो गया। डिनर भी पहले इन्होंने बोला सुवर्ण सुधा के सामने जाएंगे वहाँ खाना खाएंगे। मेरी बात सुनिए, पहला ये लेट की मेरी बात सुनिए, ये लेट कौन किया? आपने बोला सुवर्ण सौदा के सामने खाना खाएंगे, फिर बोला रेलवे स्टेशन जाएंगे, उधर लेट किसने किया? कल ट्रीट कौन दे रहा उसके ऊपर डिपेंड है कि लेट। सुनो इसने बोला खाऊगट्टा जाएंगे वहाँ पे बंद, फिर बोला रेलवे स्टेशन पे खाना मिलेगा यहाँ पे भी बंद। और क्या देख रहे हम? सिर्फ ये बढ़िया आलिशान ट्रेन देख रहे हैं, एंड वहाँ पे सामने चाय वाले अंकल आएंगे। क्या आते आते खत्म होगा? नहीं, हमारे लिए बचा के रखेंगे, इतने लोग हैं। हाँ तो क्या हुआ, चाय के लिए कोई वक्त नहीं होता है। हर वक्त चाय का होता है, चाय का वक्त नहीं होता है, चाय का तलब होता है। तो जैसे हमने बोला है चाय के लिए कोई वक्त नहीं होता है, रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग बेलगावी रेलवे स्टेशन पे बैठ के चाय की सिप लेने वाले हैं। चाय गरम? चाय सर जी, चाय 3 कप ऑफ चाय। हम पूरा घूम के आए, देखो सब जगह बंद है। आपको देख के अच्छा लगा, मतलब कुछ तो चीज है खाने पीने की, है ना? बोलो, बटर ऑमलेट है, मैगी है, एग राइस है, चिकन बिरयानी है। नहीं नहीं नहीं, ओनली वेजिटेरियन है, वेज आइटम। तू मैगी खाने ए माला का बटर मैगी है, एक मैगी है, कौन सी चाहिए? बटर मैगी एक लाओ। कहाँ पे अपना कैंटीन? वो बाहर किचन में हम बनाए हैं, इधर थोड़ा कैंटीन चल रहा है। तुम लेके आओ मैगी, तुमको और क्या चाहिए? क्या मैगी नहीं और नहीं? मैगी नहीं, मैं थोड़ा शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। माला मैगी लाना हो सर? मैगी हां 3-4 किलो। ओ सर थैंक यू सो मच। अरे बिस्किट है कुठला? बिस्किट नहीं, बटर ऑमलेट है। मैं डजंट मीन मैं मास्क नहीं पहनता। ओ फाइनली कुछ तो मिल गया। बढ़िया है, थैंक यू अंकल जी। मजा आया। ओके, तो बढ़िया चाय पी ली हम लोगों ने, लकीली अंकल मिल गए एंड बहुत अच्छी चाय बनाई। और एक बात मैंने नोटिस की कि रात को जो सिटी के वाइब्स कुछ अलग ही रहते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन भी देख लो आप, मतलब दिन में हम आते हैं तब एक अलग तरीके से दिखता है और रात का जो नज़ारा है कुछ अलग ही है। और क्या कहूँ, जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन अभी हो गया है, पहले से बहुत ही बेटर लग रहा है। एंड मैं शायद लाइफ में पहली बार रात को आया हूँ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि अक्सर हम लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो दिन में ट्रैवल करते हैं, बट ये बार कुछ अलग सा माहौल है, अलग सी वाइब्स है एंड अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार। बटर मैगी वाला हो गया तुम्हारा? छोड़ा कौन सा? क्या का बनाए थे? कौन सा? नहीं वो आएगा अभी, एडिट करेंगे उसको, एडिट करते हैं अभी। नहीं करें? नहीं अभी कभी नहीं होता है उसको, थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या मैं क्या डाल के देखना उसको? यूट्यूब है ना, ये मेरा चैनल का लिंक है, इसके ऊपर आप जाएंगे उसको सब्सक्राइब करके रख देंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको सारे वीडियोस दिखाई देंगे, तो मेरे पहले के वीडियोस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है, और आपका वीडियो भी यहीं पे आएगा। अच्छा। आराम से देखिएगा। कैसा है? बहुत अच्छी, मस्त है, ट्राई करो, सुकून भी है, और बने बहुत है, आराम से देखो, एक से एक वीडियोस है, बहुत है, मजा आएगा, घर जाके देखना। हाँ ये भी मेरा ही है। मैं इतना ही लूंगा बस। इसमें से लो, उसको फुल खाने दो। नहीं थोड़े खाऊंगा मैं। नहीं इसमें से लो, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। अरे मेरा चाय से पेट भर गया। ऐसा थोड़ी होता है, बट अच्छा बनाया है ना सर, मस्त मस्त बनाया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस बंदे ने पूरा डब्बा खाली कर दिया। और कुछ मंगाओ तुम्हारे लिए। नहीं बस, मजा आया ना? मजा, कैसा रहा एक्सपीरियंस फ्रैंकली बताना। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। रात का मजा अलग है खाने में। ओके तो फाइनली हम तीनों की ख्वाहिश पूरी हो गई, बहुत ही बढ़िया। चाय के साथ हम लोगों ने गर्मा गर्म मैगी खाई। हाँ और एक बात, यहाँ पे हमने एक रील बनाई छोटी सी, और मुझे वाइब्स आ रहे थे कि वो रील अच्छी बनेगी, एंड अच्छी बनी भी है। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाली, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड अभी अभी मैंने चेक किया है कि उस रील पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो आज का जो सफ़र है ये नाइट का, मतलब नाइट जर्नी, बहुत ही अच्छी रही। एंड या आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ऑसम वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।